हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आप सबको फिर से एक बार कार्स मिलिट्री 2 के और एक नया गेम प्ले में स्वागत है। तो गाइज, हम कार्स मिलिट्री 2 में रेनॉल्ट क्लियो को फिर से एक बार अनलॉक करने जा रहे हैं, वो भी खास करके ऑफ रोड मिशन के लिए। तो यहाँ से हम कौन सा कार लेके जाए, BMW X5M या ऑडी RS6 Avant या ये जो एक कौन सा कार है भाई साइड वाला, ये टोयोटा का है या लैंसर है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए ऑडी को लेकर चलते हैं, RS6 Avant को क्लियो को अनलॉक करने के लिए। पहुंच गया शोरूम, यहाँ पे है रेनॉल्ट क्लियो। चलिए, काफ़ी सस्ता कार है मेरे को, मतलब ये लगा 59 या 60 का अंदर ही होगा। तो ये साइड में रहा, मतलब इसको आप एक चीपेस्ट करवाना हो तो चीपेस्ट कार से कार चल रही है, 53 का है, मतलब काफ़ी सस्ता है। चलिए फिर इसको अपग्रेड करते हैं, पहले लेके चलते हैं सर्विसिंग सेंटर, वहाँ पर टॉप मॉडल अपग्रेड करें, फिर उसके बाद एक रेस में इसका टेस्ट करें। मतलब इसको चलाते हुए मेरे को लगता है सर 1-2 साल ऊपर हो चुका है। तो भाई ये क्या, मैं चलिए जल्दी चलते हैं, पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा यार, काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो चलिए वॉशिंग सेंटर, उसके बाद जाएंगे सर्विसिंग सेंटर। और ये हम आ गए सर्विसिंग सेंटर, यहाँ पर अनलॉक मतलब अपग्रेड करें, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा मतलब 90% पार्ट्स का नाम मुझे नहीं पता, ये सब पार्ट्स का नाम क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बता। ये तो इंजन का कवर की तरह लग रहा है, कुछ 1-2 पार्ट्स का नाम पता है, जो पार्ट्स का नाम पता है मैं बता दूँगा। ये क्या है भाई, इसमें से स्पीड और एक्सेलरेशन प्लस हो रहा है, ये तो एग्जॉस्ट की तरह लग रहा है। ये क्या है, नट बोल्ट में स्पीड एक्सेलरेशन देखिए प्लस हो रहा है। नहीं नहीं, नाइटस नहीं चाहिए भाई, बाद में इसलिए, ये तो फिल्टर यार, फिल्टर इसका तो पता है मुझे। और ये जो ये शायद मोटर है, जो टर्बो मोटर बोलते हैं ये है शायद। और ये आ गया हमारा ब्रेकिंग का पार्ट, ये तो पता है ब्रेकिंग बोल गया तो कोई भी बता देगा ये। और ये हमारा शायद 33 आ गया, मतलब नीचे का जो पार्ट एनहांस होता है। और ये हो गया डन, अभी नंबर प्लेट का चेंज करें, DDG लिखेंगे। अगर आपको पता नहीं तो DDG स्टैंड्स फॉर डायनामिक ड्राइविंग है, जो हमारा चैनल का नाम है। हो गया कम्प्लीट, अभी इसका सस्पेंशन को हाई करते हैं।
पूरा फुल हाई करके एक बार देखते हैं। नहीं फुल हाई में थोड़ा सा नीचे रखेंगे, बस इतना परफेक्ट, ये साइड को भी मैच करेंगे। इतने से ऑफलोड का काम हो सकता है, मतलब मिशन कंप्लीट हो सकता है। ये हो गया डन। अभी मैं सोचो लाइट इंस्टॉल करूँ या लाइट का रखते हैं पहले, क्या बोलते? हाँ आ गया, नहीं छोटा वाला लाइट सामने। नेक्स्ट हो गया ये डन। ये अभी इसमें ये से बड़ा वाला सिलेक्ट करेंगे जो, ये भाई परफेक्ट पोजिशन में फिट हो गया। अभी आ गया पीछे वाले लाइट के लिए, ये भी डन। पैसा सब खत्म हो जाएगा आज। अभी अभी देखते हैं क्या एलो को चेंज करें, क्या बोलते हैं आप लोग? चेंज करते हैं भाई थोड़ा सा, या टायर को? नहीं नहीं ये सब नहीं, टायर ये अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मेरे को लुक का बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। एलो को चेंज करते हैं, मैं सिर्फ वो टेस्ट कर रहा था थोड़ा सा। मतलब ये एलो भी पहला एलो स्टॉक के लिए काफ़ी सही, ये एलो से ही दिख रहा है पूरे फ्लैट टायर है, बस अभी परफेक्ट लुक है। तो चलिए एक रेसिंग करते हैं कार के साथ, फिर मिलते हैं आपसे। परफॉर्मेंस तो मुझे काफ़ी सही लगा और मैं सोच रहा हूँ ये ऑफ रोड में भी सही रही, लेकिन इसका जो लाइट का जो प्लेसमेंट है ना भाई, मुझे वो सबसे मतलब मॉडिफिकेशन में वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगा। और ये एलो भी सही दिख रहा है, मतलब ट्यूब को और मोटा कर देने से एलो मतलब लुक जो है और ज़्यादा एनहांस हो गया है। अगर गाइज रेनॉल्ट क्लियो के साथ नेक्स्ट कौन सा मतलब मिशन करें, पार्किंग, पुलिस चेजिंग, स्ट्रीट रेसिंग, ऑफ रोड रेसिंग, जो भी आप बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर गाइज ये गेम प्ले आपको पसंद आया है तो कमेंट में जरूर लाइक करना और कमेंट कुछ लिख देना, मतलब कुछ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले गेम प्ले में।